तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर लाइन पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है नेपाल बॉर्डर, ये देख सकते हैं। और देखिए पुल, ये वो बाउंड्री है जहाँ से इंडिया और नेपाल का विभाजन होता है। और यहाँ पर हमारे सीआरपीएफ बीएसएफ वाले जवान खड़े हैं जो चेकिंग कर रहे हैं नेपाल से आने वाले लोगों का। और ये है धारचूला हमारा मार्केट। एक्चुअली आप देख सकते हैं मौसम ज़्यादा कुछ खास है नहीं, धूप है लेकिन ऊपर पहाड़ों में अभी भी बादल ही है। फिर धारचूला जो आता है वो आता है बेस लाइन पे। ये देख सकते हैं आप नदी बिल्कुल जस्ट बगल में, और जस्ट बगल पे धारचूला का जो मार्केट है वो स्टैंड करता है। और ऊपर देखिए पहाड़ियों पे शायद बारिश हो सकती है, और पहाड़ों में बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। धूप है लेकिन गर्मी नहीं है, धूप वाली गर्मी नहीं है, ठंडा ही है, काफ़ी ठंडा मौसम है धारचूला का। तो गाइस बात कर लें नेपाल की, तो नेपाल में भी कुछ ज़्यादा खास चेंजेस है नहीं, सेम इंडिया का जैसा माहौल है, मौसम यहाँ भी सेम है। बस ये देखिए नेपाल, यहाँ पर नेपाल के लोग जा रहे हैं पैदल। और ये नेपाल का पुल, इंडिया नेपाल पुल, यहाँ पे चल रही है चेकिंग। ये कोविड के चक्कर में, कोविड के वजह से ज़्यादा चेकिंग चल रही है, हर एक सामान को चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर टेस्ट भी हो रही है, कोविड टेस्ट, रैपिड टेस्ट। आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी आ रही है। तो इंडिया का लेन देन नेपाल से चलता रहता है। इंडिया और नेपाल दोनों भाई भाई है, काफ़ी अच्छा रिलेशन है इंडिया और नेपाल का। तो इस वजह से कोविड के टाइम पे भी यहाँ लोग बाग इंडिया आ रहे हैं और इंडिया वाले नेपाल जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और नदी देखें तो, नदी की बात करें तो यहाँ पर मेनली दो नदियों का संगम होता है तवा घाट पे, और वहाँ से दो नदियाँ मिलके यहाँ पर एक नदी बनाते हैं। और नदियाँ जो आती है, एक आती है पंचाचुली और दूसरे आते ओम पर्वत पे, और दोनों का संगम होता है तवा घाट पे, जो मैंने आपको वीडियो पे दिखाया होगा। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, तवा घाट वाली, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पंचाचुली की नदी और ओम पर्वत की नदी वहाँ पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से पंचाचुली और ओम पर्वत की दूरी के बारे में। तो यहाँ से जो पंचाचुली है वो अप्रोक्स पड़ जाता है 70 किलोमीटर, और जो है ओम पर्वत वो पड़ जाता है हमें 40 किलोमीटर। तो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अभी मैं वहीं जाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरा काम हो जाता है अगर तहसील में तो मैं उधर चले जाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि काश मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाए तो मैं ओम पर्वत की तरफ को जाऊँगा। पंचाचुली ज़्यादा दूर हो जाएगा तो इस वजह से मैं पंचाचुली जा नहीं पाऊँगा, टाइम 12 बज चुका तो मैं पंचाचुली नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ओम पर्वत जा सकता हूँ। ओम पर्वत यहाँ से 40 किलोमीटर है तो वहाँ तक जा सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ओम पर्वत आज कवर करूँ, अगर पहुँच पाया तो, क्योंकि वहाँ भी रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगी हुई है ड्यू टू कोविड। तो शायद अंदर जाने तो नहीं देंगे, लेकिन बाहर बाहर का व्यू दिखा सकता हूँ मैं आपको अगर मैं गया तो। अगर मेरा काम यहाँ हो गया तहसील में तो मैं उधर चले जाऊँगा, वरना यहीं रह जाऊँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन यहाँ का सीन देखिए काफ़ी बेहतरीन। नेपाली लोग वहाँ से आ रहे हैं, इंडिया के लोग यहाँ से जा रहे हैं। इंडिया वाले ज़्यादातर यहाँ से वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि सामान का ख़रीदते हैं, माना जाता है कि वहाँ जो नेपाल में सामान मिलता है वो ज़्यादा बेहतर मिलता है इंडिया से।
नेपाली सामान प्लस वहाँ चाइना का माल बहुत ज़्यादा आता है, चाइना का सामान, तो इस वजह से इंडिया वाले लोग बहुत जाते हैं उधर सामान लेने के लिए, चाइनीज़ सामान, कपड़े, खासकर कपड़े के लिए ज़्यादा फेमस है नेपाल। तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ को, तवाघाट की तरफ को, क्योंकि मेरे को जाना है ओम पर्वत की तरफ को, तो मैं चल रहा हूँ। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दोबार से आगे, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर लाइन के पास। ये देखिए जस्ट बगल में है हमारी नदी, ये हम लोग खड़े हैं इंडिया में और जस्ट बगल में हमारे नेपाल, आप देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तपोवन के इलाके पे, जहाँ पर ये देखिए पीछे से झरना आ रहा है, जो कि ये देखिए झरना, पहाड़ से रिसता हुआ पानी। अरे सर्दियों का टाइम है फिर भी झरना बह रहा है। तो गाइस ये है धौली गंगा पावर प्लांट का पानी, जो कि पहाड़ों से होता हुआ आता है इधर पे तपोवन के इलाके पे, और ये देख सकते हैं आप लोग ये धौली गंगा पावर प्लांट। हेलो गाइस फिर से पहुंच चुके हम लोग यहाँ पर, देख सकते हैं हम लोग 0 पॉइंट पे है, यहाँ से जस्ट नीचे पे है काली नदी, वो वहाँ पर है तवाघाट, बस यहाँ से जाना है मुझे 0 पॉइंट पे, वहाँ से जाऊँगा मैं अपने घर। अब देखते हैं ये रास्ता मैं सही आ रखा हूँ या है गलत, मुझे भी नहीं पता इस बारे में कि ये रास्ता सही है, क्योंकि मैं पहली बार आ रखा हूँ इस रास्ते पर, अपनी धनों है अपने साथ इसमें जाऊँगा मैं, तो देखते हैं ये रास्ता, मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता गलत है, क्योंकि अभी मैंने अंकल जी से पूछा, लेकिन अंकल जी नए हैं यहाँ पे, इसलिए अंकल जी को कुछ पता नहीं है इस बारे में। नारायण आश्रम जस्ट सामने देख सकते हैं आप, नारायण आश्रम है उस साइड को, नारायण आश्रम उस साइड को है जस्ट वाले पहाड़ी पे, और ये है अपना खेला गाँव, अभी मुझे कन्फर्म पता नहीं है लेकिन है एक्चुअल में, क्योंकि देखो जस्ट यहाँ पर ये है, ये है तवाघाट, ये जो बैंड आता है उसके वहाँ पर तवाघाट है, उसके जस्ट ऊपर पे है खेला गाँव। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में है या नहीं है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलते हैं आगे, इसके जस्ट पिछले साइड से, पिछले के पिछले साइड में जस्ट वो जो पहाड़ी दिख रही है आपको, उसके जस्ट पीछे पे हमारा कैलाश पर्वत। तो पहले यहाँ चलते हैं, देन वहाँ की सैर कराएंगे आपको, पहले यहाँ की सैर कराते हैं, जाते हैं 0 पॉइंट की तरफ को।